हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा रावना आज लेके आ गई हूँ सचिन राज फैमिली की, जो उनकी माँ है ना अप्सरा मॉम के बारे में। जो लोग बोलते हैं ना अप्सरा मॉम डोमिनेटिंग है, अप्सरा मॉम ना बहुत खड़ूस सास है, अप्सरा मॉम ऐसी है, अप्सरा मॉम वैसी, हमेशा बहुओं को और बेटी को कंपेयर करती है, तो आज वो लोग ना मेरा अप्सरा मॉम से नीचे कोई नहीं हो सकता। अप्सरा मॉम गंदी सास है, अपनी दोनों बहुओं को ना डरा के रखती है, इसीलिए उनकी दोनों बहुएं ना डिप्रेशन में चली जाती है। उनकी दोनों बहुएं ना ए हैं, अप्सरा मॉम ऐसी है, अप्सरा मॉम, उनके लिए वीडियो है गाइस। आज अप्सरा मॉम की ना मैं रियलिटी ऊपर से नीचे तक ना उतारने वाली हूँ कि सच में वो कैसी सास है, उनकी ऐसी खड़ूस सास मिलनी चाहिए कि नहीं। तो गाइस, सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोगों ने जितना भी देखा है ना, आज आपने देखा अप्सरा मॉम का एक वीडियो जो अपनी बेटी के संग भुट्टा खाते हुए उन्होंने बताया है। आज उन्होंने सारे माँ बाप के और खासकर बिहार वालों को, आज उन्होंने हर एक लड़की के माँ बाप को कुछ संदेश दिया है, और इसके पहले भी उन्होंने संदेश दिया है जो शायद किसी लड़की के माँ बाप अमल नहीं करते हैं। और हम बिहार साइड में होता है, और हम लोगों ने नहीं मतलब बहुत लोग इस चीज़ को फेस किए हैं, और मेरे आंखों के सामने हैं ऐसी लड़कियां जिसके माँ बाप ना उनको शादी कर देते हैं, और उसके बाद से ना उनसे कोई मतलब नहीं होता है। शादी कर दिए, आई साल में आती है तो ये कपड़ा दे दिए, ना नहीं दिए तो नहीं दिए, बात खत्म। कुछ अगर उसको दिक्कत होती है ससुराल में तो बाबू अब शादी ब्याह हो गया है, ससुराल ही तुम्हारा अपना घर, अब तुम वहीं रहो, वहीं रहना है तुमको, वहीं देखना है, कुछ भी हो जाए ससुराल में ही मरना है, ससुराल में ही जीना है। और एक पूछने तक नहीं जाते हैं कि उनकी बेटियां ना कहाँ से खा रही हैं, कहाँ से पी रही हैं, उनको ना दो वक्त का खाना कहाँ से नसीब हो रहा है। बहुत सारी ऐसी लड़की है ना जो गरीब घर में भी हैं, बहुत तो अमीर हैं तो फिर तो उनकी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अमीर को भी नहीं देते हैं, जो अमीर है ना उनको भी उनका हिस्सा उनका हक नहीं देते हैं। लेकिन आज अप्सरा मॉम के लिए मैं क्लैपिंग कर रही हूँ कि आज उन्होंने ना पूजा का साथ देते हुए, क्यों उनके भाइयों को क्या सोच रहे हैं, चाहे वो सचिन हो चाहे प्रिंस। पता है इस बार सचिन इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट किए हैं कि उनके गृह प्रवेश के समय में उनकी पूजा के संग कुछ हुआ था, तो मैं नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस बार प्रिंस ने कलह किया। क्या 7 दिन के लिए जब बेटी एक घर पर आई है तो एक भाभी घर छोड़ कर चली गई, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है बहुत, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो लड़की तो हमेशा नहीं आती है, और इतना दिन के लिए आई, अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट में गई रंजना, उसके बाद से तो आ सकती थी ना, अपनी ननद के लिए आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। क्या बार बार पूजा यहाँ आके बसती है, नहीं बसती है ना, और ये भी नहीं सोचा कि हाँ अपने बच्चे को छोड़ के आई है। तो इस बार ना जो आंटी ने फैसला लिया ना, और इसके पहले भी आंटी ने बोल दिया है, मैं बता रही हूँ गाइस आपको, इसके पहले भी आंटी ने बोला हुआ है कि मेरा जितना ज्वेलरी है, मतलब आंटी के पास तो कितना ज्वेलरी है आंटी को ही पता है, मनीषा रंजना जिसको, और आप लोग व्यूवर्स जो उनके पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, उन्होंने बोल दिया है कि मेरे मरने के बाद से मेरा जितना ज्वेलरी है उस पे ना बेटी का अधिकार होगा। और आंटी को आप लोग मंदबुद्धि बोलते हैं, डोमिनेटिंग बोलते हैं, पुराने जमाना का बोलते हैं, बकलोल बोलते हैं, आपको पता है ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि माँ का ना जब मरती है तो उनके जो गहना होता है ना उस पर बेटी का ही अधिकार होता है, अगर बेटे बहुएं उस गहना को लेकर रखते हैं ना जो मरते समय उनके शरीर पे जो होता है, तो कभी बेटे बहू को ना फलता फूलता नहीं है, तो ये परंपरा बनाया हुआ है। लेकिन लोग शास्त्रों की बात मानते कहाँ है, लोग तो अपने मन से चल रहे हैं, उसके बाद से बोलते हैं कलयुग आ गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नियम तो ये है, लेकिन क्या कोई करता है? शादी के बाद लोग अपनी बहुओं के लिए ना एक ज्वेलरी ले लेंगे, लेकिन सोना का कान का खरीदेंगे या अंगूठी खरीदेंगे, लेकिन बेटी के लिए खरीदने में ना उनको पसीना छूट जाता है कि बाबा बेटी को देना है। तो अप्सरा मॉम देती है तो उसमें क्या गलती है, भगवान ने उनको, और तो किसी बेटों का पैसा देती नहीं है, वो खुद यूट्यूब से अर्न करती हैं और दे रही हैं, अपनी बेटी को बैठा के खिला रही भी तो नहीं है कि आप लोग खिला रहे हो, अपनी बेटी को खुद बुलाई हैं, खुद रख रही हैं। एक बेटी इस मायके आकर इतना रो के जा रही है, अच्छा लग रहा है अपने माँ बाप के रहते हुए वो लड़की रोई, अच्छा बात है। तो आंटी ने बोला है कि प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा देंगी, तो 3 हिस्सा करेंगी, नहीं तो देंगी तो सबको देंगी, नहीं तो किसी को नहीं देंगी। बहुत अच्छा वेल बात बोली है आंटी ने, और देना भी चाहिए। अब हाँ, अब आगे उनकी ऊपर है, पूजा लेगी नहीं लेगी, रखेगी नहीं रखेगी, लेकिन आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली है, और इससे ना कुछ माँ बाप को सबक भी सीखना चाहिए कि आप बेटी 9 महीने की आप बेटी को जब पेट में रखते हो, जिस दिन तक जन्म नहीं होता है बेटी को, क्या आपको पता होता है कि पेट में बेटी है कि बेटा है? नहीं पता होता है ना, तो जब बेटा और बेटी के लिए एक ही तकलीफ होता है, लेकिन सिर्फ जब वो गोद में आता है ना तो पता चलता है नहीं ये लड़का है और ये लड़की है, एक लड़की को। लेकिन माँ बाप का ना प्यार निस्वार्थ होता है, जो बेटी को ना 20 साल, बाकी हर एक रिश्ते में स्वार्थ है गाइस, हर एक रिश्ते। पति आपसे प्यार क्यों करता है? क्योंकि आप उसे घर को देखते हो, उसको देखते हो, उसके मतलब उसकी पूर्ति करते हो, उसके बच्चे को देखते हो, इसलिए। सास क्यों प्यार करती है? उसके पीछे भी रीजन है। लेकिन एक माँ बाप एक बेटी को प्यार करते हैं ना, किस लिए प्यार करते हैं?
कोई उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, तो अपने बेटी के लिए अगर सोच रही हैं तो ना इसमें कोई गलती नहीं है। और इस बार रंजना और प्रिंस ने जो किया है पूजा के साथ गलत किया है, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं भी किसी की बहन हूँ, तो मुझे जो चीज़ गलत लगेगा मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने की दम रखती हूँ। और अप्सरा आंटी को लोग बोलते हैं ना, अगर अप्सरा आंटी की तरह उनकी दोनों बहुएँ हो जाए ना तो उनका घर ना चमक उठेगा। उनका घर गंदा है, मैंने बोला है घर गंदा है और सच में गंदा है, लेकिन आंटी का रूम कभी आप लोगों ने ख्याल किया है चमचम चमकता है। आंटी का रूम एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, बाकी दोनों बहुओं का रूम का तो बात ही हटा दीजिए, और रूम तो थोड़ा ठीक भी है तो हॉल का तो कंडीशन वो कौन ठीक करेगा। आंटी ने क्या जी बोलते हैं अप्सरा मम नहीं ठीक कर सकती, अप्सरा मम बहुओं को बोलते रहती है, तो अप्सरा मम बहुओं को क्यों बोलती है, नहीं करती है तभी तो बोलती हैं। दो दो नौकर रख दिया, अब तो खाना बनाने वाली भी रख दिया, फिर भी किसी चैनल पर उनको बिन लोड मैंने क्या नहीं बोला जा रहा है। तो ये सब ना आप लोग मत बोलिए, उनके तरह आपने कभी देखा है जितनी आज तक आपने कितना बार सुना है अप्सरा मम बीमार हैं, जबकि वो तो आप ही लोग बोलते हैं कि वो 60 साल की हैं। तो 60 साल का उम्र का आदमी को ज़्यादा बीमार पड़ना चाहिए कि 25 साल 30 साल की लड़कियों को ज़्यादा बीमार पड़ना चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आंटी ने अपने आप को रखा, आपने कभी उनको ख़राब से देखा है? कभी कभी नाइटी का वीडियो आ जाता है जब वो बहुत थकी रहती हैं, या रात का वीडियो होता है, नहीं तो आप सुबह देखिए वेल मेंटेन रहती हैं। और हमारे उधर जैसा साड़ी उनके वहाँ उनके कल्चर में जैसा साड़ी चलता है ना, अब हमारे यहाँ ऐसा साड़ी चलता है तो अब हम यहाँ झिकझिक पहन के बैठ जाए तो नहीं होगा ना, हम तांत पहन के बैठ जाए तो नहीं होगा। हमारे घर में जैसा जिसके घर में जो चलता है इंसान उसी हिसाब से पहनता है। तो आप बताइए कि उन हमेशा उनको ना वेल मेंटेन मैंने देखा है। तो ये वीडियो ना मेरे अप्सरा मॉम के लिए है और मैंने ये बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे शिक्षा आप लोग बोल रहे थे ना, उनसे क्या सीखने को मिलता है, इनसे तो इंग्लिश भी टूटी फूटी हुई है। आप ये नहीं सोच रहे इंग्लिश टूटी फूटी हुई है, आपकी मम्मी को कितना इंग्लिश आता है? अरे नहीं आता, सबको एक बराबर इंग्लिश नहीं आता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो खुद ही बोलती हैं कि मुझे नहीं आता। दोनों बच्चे को कल का भी मुझे ये पता नहीं है, अगर आंटी मेरा वीडियो देखेंगी तो इसको क्लियर कर देंगी। कल वो बहुत खुश थी कि वो आएंगी और बेटी को अपने छोड़ के तब मिथुन और काजल का बर्थडे में जाएंगी। अच्छा हुआ आंटी नहीं गई, तो अच्छा ही हुआ, लेकिन क्यों नहीं गई मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक मैंने देखा वो दोनों आ रहे हैं, मतलब जब तक आंटी आई तब तक प्रिंस सचिन का टोन मुझे बिल्कुल अच्छा, चलो चलो लेट हो रहा है चलो चलो, तो ऐसे थोड़ा सा निशा तो रिस्पेक्ट देती है दिखता है। तो आंटी के ना बेटों में ज़्यादा गलती है, चाहे जिस भी बेटे में गलती है आंटी के बेटों में ही ज़्यादा गलती है। अगर बेटे सही होते ना तो बहुओं को इतना जो पर निकला है इतना पर नहीं निकलता। और मुझे पता नहीं आंटी क्यों नहीं गई, क्योंकि आंटी बोल रही थी जैसा थकी होंगी तो इसलिए नहीं गई होंगी। लेकिन बिहार के सभी औरतों के लिए सभी माँ बाप के लिए आंटी ने एक मिसाल कायम किया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का अपने हिस्से का सब कुछ अपनी बेटी को देंगी, और वो आगे डिपेंड करता है खुद उनके चैनल के लिए। मैंने बहुत बार देखा है मोबाइल लेकर बोलते रहते मेरा थोड़ा ये ठीक कर दो ना, मेरा ठीक कर दो ना। कभी कभी मैंने मनीषा को देखा है हेल्प वगैरह करते हुए और उसके आगे नहीं देखा है, सबसे बोलते रहती है थोड़ा मेरा इस मोबाइल से इस मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दो, थोड़ा मोबाइल ठीक कर दो, थोड़ा इंस्टाग्राम सेट कर दो। इसके लिए भी सारे जगत गुरु बने फड़े हैं ये लोग, सबको ये लोग टेक्निकल चैनल बनाएंगे, सबको टेक्निकल सिखाएंगे, पर अपनी ही मम्मी का नहीं कर पाते, ये कहाँ शोभा देता है आप ही लोग बताइएगा। सर हम बोलते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि बोलते हैं, आप लोग बोलिए एक शोभा दे रहा है कि अपनी ही माँ दूसरे के पास सीखने जा रही है, आप टेक्निकल चैनल खोल रहे हैं, अंशु का चैनल बना रहे हैं तो उसका बना रहे हैं। तो अपना भी घर में हेल्प करना चाहिए, पता है आप लोग बहुत बिजी इंसान हैं, लेकिन माँ बाप के लिए टाइम निकालिए और मेरी बातों को फिर से सुनिए। आपके घर में बरकत नहीं है, आप लोग अपने माँ बाप को प्यार कीजिए, पूजिए उनसे ना। जिस दिन आप लोग प्यार करना सीख जाएंगे ना, आपके घर में प्यार हो जाएगा, उस दिन आपका घर ना फूलेगा फलेगा, ये चीज़ याद रखिए आप लोग। और आंटी दूध डंडा लेकर मारिए अपने बेटा लोग, एक दिन आता है प्रिंस ना तो बैठ के दूध डंडा मारिए, पूछिए चाहता क्या है, इतना व्यू 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 के लिए पूरा आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वही बदनाम किया। अगर वो ठीक रहता ना तो आपका फैमिली नंबर वन फैमिली होता, लेकिन आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं आंटी। लेकिन आज आपका बात मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ कि आप एक माँ होकर इतना बड़ा फैसला ली। मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलती हूँ कल अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय। और हाँ, माँ बाप क्या चाहते हैं गाइस, किसी का भी माँ बाप ना क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करें, हमको टाइम दे। एक माँ क्या चाहती है, प्रिंस से पहले आंटी झगड़ा क्यों करती थी, ताकि प्रिंस को ना इक्वलिटी मिले, प्रिंस को भी ना जैसे सचिन का अपना सब कुछ कर लिया वैसे प्रिंस का भी हो जाए, इसी के लिए दिक्कत होता था। अभी प्रिंस भी वो बड़ा होकर वही काम कर रहा है अपने बीबी के संग लेकर, उसे भी ज़्यादा बदनाम कर रहा है। तो अगर उनकी बेटी उनकी हर खुशी को पूरा करती है, फ़ोन पे उनका हर चीज़ ठीक करती है, तो कोई माँ अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करेगी। और सब चीज़ लेने के लिए बहू लोग
बहू आ जाती है, बहू को ये दे दो, बहू को वो दे दो, बहू को दे दो, बेटी गई भाड़ में, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो माँ, हर माँ बाप को ना इसे कुछ सबक सीखना चाहिए। ये बना दिया गया है कि बेटी को शादी कर दो, चली गई बेटी, अब बेटी से कोई मतलब नहीं है, जो धन संपत्ति सब कुछ है हमारा बेटों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपसरा मोम पे आज मुझे प्राउड फील हुआ है और बहुत अच्छा लगा है ये बात आपसे ना, हर एक माँ बाप को सीखना चाहिए। तो किसी भी लड़की का ना उसके घर में इज्जत कम नहीं होगा, क्योंकि भाई लोग उसे डरेंगे इस चीज़ को लेकर। तो चलिए आंटी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मिलते हैं सबको इस नेक्स्ट व्लॉग में और भी किसी नए टॉपिक के साथ।